नमस्कार, B24 न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इशिका मुंद्रा। आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की कुछ खास खबरों की। तितलागढ़ के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित। कोरोना महामारी के प्रसार को मद्देनजर रखते हुए बुलांगीर जिला अधिकारी अरिंदम डाकुआ ने तितलागढ़ के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया है। 11 अगस्त को हुए कोरोना परीक्षण के अनुसार 12 अगस्त को 4 लोग पॉजिटिव पाए जाने पर तितलागढ़ शहर के कुछ अंचल को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है। तितलागढ़ के 2 मुख्य सड़कों को हिंदुस्तान सीट से स्टाइलिंग कपड़ों की दुकान के सामने तक और रेनबो टेलर की दुकान तक सील कर दिया गया है। इसके अलावा तितलागढ़ नगर पालिका और अग्निशमन विभाग द्वारा कंटेनमेंट जोन को सैनिटाइज कराया गया है। तितलागढ़ के 2 मुख्य सड़कों को बंद करने पर अन्य सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। शहर में ट्रैफिक की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जब 2 मुख्य सड़कों बंद हो गई हैं तो दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा इलाके की दुकानें और बाज़ार भी बंद हैं। नुआखाई को बस कुछ ही दिन बाकी है। शहर के आसपास के क्षेत्रों के कई लोग आते हैं, सड़क पर अक्सर भीड़ रहती है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमेशा ट्रैफिक की समस्या रहती है। कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए कपड़ों की दुकान और दूसरे दुकान सभी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। कंटेनमेंट जोन में बाहर या अंदर किसी को भी जाने या आने से मना किया गया है। तितलागढ़ से आहुति साहू के साथ गौरव दर्जी की रिपोर्ट, B24 न्यूज एक्सप्रेस। और बर्तमान टीटला टाउन पॉजिटिव चार्टा बाहरी तो पॉजिटिव चार्टा बाहर कंटेनमेंट जोनटा हो एरियाटा एट बहुत नुआखाई अच्छे नुआखाई बिजनेस बेले धंदा पा बहुत जोरसोर होबार कथा हेबार कथा बर्तमान तेने कंटेनमेंट जोटा हो गला एरिया जेहर आम धंदाटा टी डाउन और बंद हो भगवान के घंटा सिन के। राजगांवपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन। सुंदरगढ़ जिले के राजगांवपुर शहर में 12 अगस्त को बीजू जनता दल की ओर से मो ओडिशा मो परिवार के तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सुंदरगढ़ बीजेडी सांसद व मो ओडिशा मो परिवार के संयोजिका सुनीता विश्वाल फीता काटकर उद्घाटन किया गया था। इस अवसर में सुंदरगढ़ जिला का बीजेडी सभापति विनय टोपो, सुंदरगढ़ जिला परिषद अध्यक्ष एमा एक्का, जिला संयोजक वैकुंठ नायक, बीजू छात्र जनता दल के सभापति राणा प्रताप सिंह, संपादक राजवेंद्र ठाकुर आदि उपस्थित थे। बीजू बाबू के फोटो में फूल चढ़ाकर इस शुभ कार्य को आरंभ किया गया था। इस रक्तदान शिविर में कुल 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया था। रक्तदान देने वाले हर एक को टी शर्ट और एक मास्क दिया गया था। राजगांवपुर से गंगाधर बाग की रिपोर्ट, B24 न्यूज एक्सप्रेस। आज जो रक्तदान हो रहा है इसे में क्या पिछले 3 दिनों से रक्तदान का प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहले तो मैं रक्तदाताओं को अदा करना चाहूँगी कि भारी मात्रा में आके हमारा मतलब हौसला अफजाई करना। लोगों का मदद करने के लिए कोरोना महामारी के टाइम में आगे बढ़ के अपना आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।